myself, Rinkesh Kumar Gupta. आज हम जनवरी मॉर्निंग जेई मेंस का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं. तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें एक लिमिट का क्वेश्चन गिवन है. देखो कैसे सॉल्व करना है. जब एक्स को जीरो पुट करोगे आप, तो ये 2/2 1, तो ये आ गया 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म. तो 1 की पावर इन्फिनिटी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ई की पावर लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, और क्या करो पावर को तो मल्टीप्लाई में लाओ, तो 1/x² इंटू दिस पार्ट में से करो -1. तो इसमें से जब आप -1 करोगे बेटा, तो ये आ गया -4x² 2+7x². x² से x² कैंसिल आउट. जैसे ही आप x को 0 पुट करोगे, तो दिस पार्ट इज e की पावर -2, देन इट इज 1/e². सो करेक्ट ऑप्शन इज 4. देखो सेकंड क्वेश्चन, इसमें एक फंक्शन एफ एक्स गिवन है, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन में आपको एफ डेस एक्स को 0 चेक करना है, सेकंड और थर्ड ऑप्शन में अपन को एफ डेस एक्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, और फोर्थ ऑप्शन में एफ की डिफरेंशियलिटी को एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है. तो सबसे पहले क्या करो, इसमें दो स्टेप हैं. पहले कोस इनवर्स के अंदर से माइनस को एलिमिनेट करोगे, और सेकेंड इज मॉड एक्स को अपन को ओपन करना है. तो देखो कैसे ट्राई करोगे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स कोस के अंदर से माइनस को बाहर लोगे, तो आ गया पाई माइनस कोस इनवर्स, और साइन मोड एक्स को अपन लिख सकते हैं बेटा कोस ऑफ पाई बाई टू माइनस मोड एक्स. यस, अब इसमें मोड एक्स को ओपन करोगे, तो इसमें टू केस राइज करोगे, एक्स माइनस पाई बाई टू से जीरो, और सेकेंड जीरो से पाई बाई टू. जब एक्स माइनस पाई बाई टू से जीरो लोगे, तो मोड एक्स को माइनस के साथ ओपन करोगे, तो माइनस माइनस प्लस, और जब एक्स को लोगे जीरो से पाई बाई टू, तो दिस पार्ट इज एज इट इज. तो इसको अपन लिख सकते हैं एक्स ब्रैकेट ऑफ पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई टू प्लस एक्स, और नेक्स्ट इज एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स. ये आपका होगा माइनस पाई बाई टू से जीरो व्हेन एक्स बिलोंग्स टू, और दिस पार्ट इज जीरो से पाई बाई टू. अब देखो जब एक्स को माइनस पाई बाई टू से जीरो लोगे, तो क्योंकि कोस इनवर्स कोस थीटा को अपन थीटा कब लिख सकते हैं, जब थीटा जीरो से पाई हो. तो जब एक्स को माइनस पाई बाई टू से जीरो लेट करोगे इसके अंदर, तो दिस वैल्यू लाइज बिटवीन जीरो टू पाई, और सेकेंड में भी दिस पार्ट लाइज बिटवीन जीरो टू पाई. तो दोनों में अपन कोस इनवर्स से कोस इनवर्स को डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हैं. तो इससे फंक्शन आ गया एफ एक्स इक्वल टू, तो इसमें फंक्शन क्या आ गया, कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल आउट, और पाई माइनस पाई बाई टू एंड माइनस प्लस माइनस, और अंदर क्या करोगे एक्स से मल्टीप्लाई. तो फाइनली दिस पार्ट आ गया पाई एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स दिस पार्ट है, और सेकेंड इज माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू, एंड पाई बाई टू को एक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो दिस पार्ट इज अगेन पाई एक्स बाई टू अपॉन ये आ गया माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर. ये आपको माइनस पाई बाई टू से जीरो है, और ये जीरो से पाई बाई टू है. तो देखो जब एक्स को जीरो पुट करोगे, दिस पार्ट इज एफ एक्स, तो ये जीरो पे क्या रहा फंक्शन आपका कंटिन्यूस. तो अपन इसका इजीली क्या कर सकते हैं, एफ डेस एक्स. तो जब आप इस फंक्शन का एफ डेस एक्स करोगे, क्या करोगे फंक्शन का एफ डेस एक्स, तो दिस पार्ट तो क्या जाएगा पाई बाई टू माइनस टू एक्स, और नेक्स्ट पार्ट आएगा बेटा पाई बाई टू प्लस ऑफ टू एक्स. तो देखो जब आप एक्स को जीरो लोगे, तो एफ डेस जीरो की वैल्यू क्या आती है इससे, इसमें भी पाई बाई टू और इसमें पाई बाई टू, बट आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है माइनस पाई बाई टू, तो दिस इज इनकरेक्ट. और फोर्थ में बोला गया एफ इज नॉट डिफरेंशियबल एट जीरो, इट इज रॉन्ग. क्यों, क्योंकि एफ डेस जीरो क्या आ रहा है इसमें पाई बाई टू आ रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन एक्स इक्वल टू जीरो पे क्या है डिफरेंशियबल एंड कॉन्टिन्यूस. तो आपको सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को चेक करना है. सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में क्या बोला गया है, एफ डेस एक्स को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. तो जब भी आपको एफ डेस एक्स और को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे उसका एफ डबल डेस एक्स.
तो जब आप इसका f डबल डैश x करोगे तो देखो क्या होगा, ये f डबल डैश x इक्वल टू फर्स्ट पार्ट का f डबल डैश x को क्या आ गया माइनस टू और सेकेंड पार्ट का टू। तो इसका मीनिंग क्या है कि जब x आपका माइनस पाई बाई टू से जीरो होगा तो डबल डैश नेगेटिव, देन f डैश x इज डिक्रीजिंग फंक्शन, और जब जीरो से पाई बाई टू में f डबल डैश x पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मीनिंग f डैश x इज इंक्रीजिंग। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया बेटा थर्ड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको क्या एक इंटीग्रेशन को सिंप्लीफाई करना है और उससे एफ एक्स और लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ट्राई करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या करो, इस ब्रैकेट में से साइन की पावर सिक्स को कॉमन लेना है। तो दिस पार्ट इज आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अपॉन, देखो जब अंदर से आप साइन एक्स की पावर सिक्स एक्स कॉमन लोगे तो इसको टू बाई थ्री से मल्टीप्लाई करोगे तो दिस पार्ट इज साइन की पावर फोर एक्स, और बाद में क्या करना है साइन क्यूब एक्स से मल्टीप्लाई, तो ये फाइनली आ गया साइन की पावर 7x, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं कोसेक की पावर 6x प्लस 1 की होल पावर 2/3। साइन की पावर 7x को जब न्यूमेटर में आप शिफ्ट करोगे तो ये आ गया i इक्वल टू एक कोस अपॉन साइन को, तो क्या लिख सकते हैं अपन कोट एक्स, और रिमेनिंग पार्ट आ गया कोसेक की पावर 6x डी एक्स अपॉन वन प्लस कोसेक की पावर सिक्स की होल पावर 2/3। अब इसके बाद क्या करना है, इस पार्ट को आप टी कंसीडर करोगे तो वन प्लस कोसेक की पावर 6x इक्वल टू टी, क्या टी क्यूब लेट करो इससे 1/3 भी डायरेक्ट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो टी क्यूब। अब आप इसका क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो कोसेक की पावर 6x का जब आप क्या करोगे डिफरेंशिएशन, तो पावर 6 का करोगे तो क्या आ गया 6, और कोसेक की पावर 5x होगा, और कोसेक x का कोसेक x इंटू कोट x, तो कोसेक की पावर आ गया बेटा 6x इंटू कोट x, और एक आ गया माइनस dx इक्वल टू t क्यूब का लिख सकते हैं 3t² ऑफ dt। तो फाइनली देखो दिस पार्ट की वैल्यू को आपको इसमें पुट करना है, तो क्या आ गया ये दिस पार्ट इक्वल टू माइनस 6 से डिवाइड करोगे तो आ गया माइनस t² / 2 dt। तो फाइनली दिस पार्ट इज i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट इज माइनस हाफ t² dt अपॉन, इसको t क्यूब पुट करोगे तो t क्यूब से t क्यूब कैंसिल, तो दिस पार्ट इज अगेन t², तो क्या हुआ इससे t² से t² कैंसिल, तो फाइनली इसका इंटीग्रेशन आ गया बेटा i इक्वल टू माइनस dt का इंटीग्रेशन क्या होगा t प्लस सी, तो दिस पार्ट इज i इक्वल टू माइनस सॉरी 1/2 को भी लिखना है इसमें, और t की वैल्यू क्या पुट करोगे दिस पार्ट से, तो दिस इज 1 प्लस इसको साथ की साथ 1 अपॉन साइन में कन्वर्ट करो तो साइन की पावर 6x की होल पावर 1/3 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, तो ये इसका आ गया फाइनली इंटीग्रेशन। तो जब आप इस राइट पार्ट से कंपेयर करोगे तो इसमें लैम्डा की वैल्यू तो क्या है बेटा 3, और एफ एक्स आ गया -1/2 sin²x, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछी गई है लैम्डा एफ ऑफ π/3, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो दिस पार्ट इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करोगे 3, और फंक्शन की वैल्यू क्या होगी -1/2 sin π/3 का मीनिंग √3/2, और उसका स्क्वायर करोगे तो आ गया 3/4। तो देखो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल करोगे तो फाइनली दिस पार्ट इज -2, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया बेटा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लेट ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट सच दैट P of A equal to 1/3 and P of B equal to 1/6, then which of the following option is correct? तो आपको क्या करना, 1/1 ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते अपन, या पहले एक कंडीशन गिवन है आपको कि टू इवेंट आर इंडिपेंडेंट, तो A एंड B अगर टू इंडिपेंडेंट इवेंट है तो एक कंडीशन होती है बेटा P A intersection B equal to PA into PB, और साथ की साथ ये भी याद रखें आप
कि ए और बी इंडिपेंडेंट है, तो आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लिख सकते हो पी ए पी वी. सिमिलरली ए डैश और बी का इंटरसेक्शन भी क्या आ गया, पी ए डैश इंटू पी वी, एंड दोनों का अगर डैश है तो दोनों का डैश आ जाएगा पी ए डैश इंटू पी वी डैश. तो देखो आप फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपॉन बी डैश को अपन क्या लिख सकते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन पी वी डैश. और बाद में जब ए डैश और बी डैश आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट तो आप इन दोनों की प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर सकते हो. तो दिस पार्ट क्या आ गया, पी ए डैश इंटू पी वी डैश, और पी वी डैश से पी वी डैश कैंसिल आउट. तो फाइनली दिस पार्ट आ गया पी ऑफ ए डैश, और पी ऑफ ए आपको 1/3 गिवन है, तो पी ऑफ ए डैश आ गया बेटा 2/3. तो इसका फर्स्ट आंसर तो रॉन्ग है. सिमिलरली आप सेकेंड ऑप्शन को जब चेक करोगे तो अगेन पी ए अपॉन ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी अपॉन पी ऑफ ए, सॉरी पी ऑफ ए यूनियन बी. अब इधर देखो क्या करना है, जब आप ए यूनियन बी का ए के साथ क्या लोगे, कॉमन पार्ट, क्योंकि ए यूनियन बी में ए भी आपका इनबिल्ट होगा और बी भी, बट जब दोनों का आप कॉमन लोगे तो ओनली क्या आएगा, पी ऑफ ए. तो न्यूमेटर में तो आ गया बेटा पी ऑफ ए, और पी ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं अपन, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या होगी, पी ए इंटू पी वी, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी. अब आपको क्या करना है, इन सब की वैल्यूज को इसमें पुट करना है. तो देखो क्या होगा, इससे इसमें पी ऑफ ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, 1/3 अपॉन अगेन 1/3 प्लस पी ऑफ बी को इज 1/6 माइनस, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो दिस आ गया 1/18. जब आप इसमें 18 एलसीएम लोगे तो ये 9 आ गया, इसको लिख सकते हैं अपन इक्वल टू 1/3 अपॉन 18 एलसीएम लोगे तो ये आ गया 9, और ये आ गया प्लस 3 और माइनस 1, और इसका एलसीएम न्यूमेटर में मल्टीप्लाई. तो देखो 9 और 3 12, दिस इज 11, तो ये आ गया 6/11. तो सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग. उसके बाद क्या करना है आपको, थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन को और चेक करना है. तो देखो हाँ, थर्ड ऑप्शन में अगेन क्या करोगे, देखो इसको क्या लिखोगे, पी ए अपॉन बी डैश इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश. इसको भी अगर अपन लिख सकते हैं पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी डैश, तो पी ऑफ बी डैश से पी ऑफ बी डैश कैंसिल आउट, तो दिस पार्ट इज पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए आपको क्या गिवन है, 1/3. तो इसका थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है. अब आपको फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप चाहो तो उसको कर सकते हो इजीली, कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें. उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ ए बी सी आर द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ 19 CP, 20 CQ एंड 21 CR रेस्पेक्टिवली, देन आपको ए बी सी का रेशो चेक करना है. तो देखो इसमें अपन क्या जानते हैं कि इफ एन बिलोंग्स टू इवन, एन अगर आपका इवन नंबर है तो एन सी आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, वैन एन सी एन वाई टू, आर इज एन वाई टू, जब आर आपका एन वाई टू होगा तो एन सी आर इज मैक्सिमम. सिमिलरली इफ एन आपका ऑड है, तो एन जब आपका ऑड है तो इस केस में टू वैल्यूज क्या होंगी मैक्सिमम, और ये आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट इज एन सी एन माइनस 1/2 और सेकेंड इज एन सी एन प्लस 1/2, बट दोनों की वैल्यू सेम होती है तो आपको एक से काम चल जाएगा इसमें. तो देखो इससे अपन लिख सकते हैं ए इक्वल टू, हाँ भाई 19 CP की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब पी क्या होगा, क्योंकि 19 एक ऑड नंबर है, तो 19 ऑड है जिसमें पुट करो क्या आ गया, 19 - 1 18/2, तो ये आ गया 19 C9, तो ये मैक्सिमम आ गया. सिमिलरली बी क्या लिखोगे, बी इक्वल टू, इस बार ये 20 इवन नंबर है तो 20 को इधर पुट करोगे तो आ गया 20 C10, तो बी की वैल्यू होगी बेटा 20 C10. सिमिलरली आपका 21 भी एक ऑड नंबर है, तो 21 को अगेन आपको इधर पुट करना है, तो एन को जब 21 लोगे
तो इससे क्या मिलेगा, c इक्वल टू 21c 10। अब आपको इन तीनों का रेशो चेक करना था, देखो इसको लिखोगे आप a रेशो b रेशो c इक्वल टू, अब देखो थोड़ा क्लियरली सिंप्लीफाई करो, 19c9 को लिख सकते हैं फैक्टोरियल 19 अपॉन फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 10, रेशो 20c10 को लिख सकते हो बेटा फैक्टोरियल 20 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 10, एंड 20c10 को क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल 21 अपॉन फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11। अब देखो थोड़ा क्लियरली इसको सिंप्लीफाई करें आप, देखो ये फैक्टोरियल 19 है, फैक्टोरियल 20 को लिखोगे 20 इंटू फैक्टोरियल 19, सिमिलरली 21 को क्या लिख सकते हैं 20 इंटू फैक्टोरियल 19, तो फैक्टोरियल 19 से फैक्टोरियल 19 क्या हो जाएगा इसमें कैंसिल आउट, तो ये आ गया 1 अपॉन, इधर आ गया 20 अपॉन, और दिस पार्ट इज 21 इंटू 20 अपॉन। सिमिलरली इसमें एक फैक्टोरियल 10 तो क्या हो गया कैंसिल आउट, और सेकंड में क्या लिखोगे ये 9 है फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 10 और ये फैक्टोरियल 11, तो अगेन फैक्टोरियल 9 को जब आप कैंसिल आउट करोगे तो ये 1 होगा, इधर 10 होगा और इधर होगा बेटा 10 इंटू 11, यस। तो अब देखो इससे क्या बेनिफिट हुआ, ये इससे कैंसिल तो ये ओनली 2 होगा, 0 से 0 कैंसिल तो 21 बाय 11, तो ये आ गया 1:2, ये आ गया 1:2, दिस इज 42/11, तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 11 और दिस पार्ट इज 22 एंड दिस इज 42, तो 11:22:42, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा 4th ऑप्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, इफ सी इज ए पॉइंट एट विच रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल फॉर दी फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ दिस पार्ट इन द इंटरवल 3 से 4 वेयर अल्फा इज रियल नंबर देन फाइंड एफ डबल डैश सी। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है अपन को, सबसे पहले तो अपन को अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, फिर डबल डैश में सी पुट करके उसकी वैल्यू को चेक करोगे। तो देखो कोई भी फंक्शन पे जब अपन रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, तो रॉल्स थ्योरम कब एप्लीकेबल होगी, व्हेन f(3) इक्वल टू f(4) एंड f(3) f(4) के इक्वल है तो उसके केस में उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा 0। तो फर्स्ट थिंग तो क्या होगी इसमें f(3) = f(4), ये रॉल्स थ्योरम के एप्लीकेबल की कंडीशंस होगी। तो जब x को इसमें 3 पुट करोगे तो दिस पार्ट इज लॉग ऑफ 3 पुट करने पे 9 प्लस अल्फा अपॉन 7 × 3 इक्वल टू लॉग ऑफ ई बेस 16 प्लस अल्फा अपॉन 7 × 4। इसमें क्या होगा लॉग से लॉग कैंसिल करोगे, उसके बाद 7 से 7 कैंसिल, 4 को इससे मल्टीप्लाई करोगे और 3 से इससे, तो इधर 3 अल्फा इधर 4 अल्फा, तो दिस इज अल्फा और उधर आ गया 3 × 48 और ये आ गया 36, तो 48 में से 36 को माइनस करोगे तो इससे आपको मिल गया अल्फा इक्वल टू 12। तो चलो उससे एक पार्ट तो मिल गया, अल्फा 12 आ गया। अब अगर इस पे रॉल्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो उसके केस में क्या होगा, इसका एफ डैश एक्स 0 करना है अपन को। तो जैसे आप एफ डैश एक्स को 0 करोगे तो उससे किसकी वैल्यू मिलेगी अपन को, सी की। तो सबसे पहले क्या करो, उस फंक्शन का एफ डैश एक्स फाइंड आउट करोगे आप। तो देखो इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, इसमें अल्फा को तो 12 पुट करना है, तो पहले लॉग का करोगे तो 1/x, तो दिस पार्ट इज 7x/(x²+12)। अब एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा अपॉन 7x का कैसे करोगे, इसमें क्या 1/7 तो आप कॉमन है तो सेपरेट कर दो, ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स इज एक्स, तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 और ये आ गया 12y x, तो 12 तो कॉन्स्टेंट है तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस के 1/x² तो फाइनली आ गया -12/x², ये इसका आ गया डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा अपन इसको एलसी में लेके लिख देते हैं, तो इससे तो कि इसका भी अपन को डबल डैश भी करना है, तो एफ डैश एक्स आ गया बेटा
देखो एक्स स्क्वायर को इधर करोगे तो आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व, और सेवन एक्स से सेवन एक्स कैंसिल आउट, तो फाइनली आ गया बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व अपॉन, इससे कैंसिल करोगे तो ओनली डिनोमीटर में एक्स होगा और एक्स को इससे साथ के साथ क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो ये आ गया एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स। तो जैसे ही आप एफ डेस एक्स को जीरो करोगे तो इससे आ गया एक्स स्क्वायर इक्वल टू ट्वेल्व, देन एक्स इक्वल टू रूट ट्वेल्व, तो इससे सी की वैल्यू क्या मिलेगी आपको रूट ट्वेल्व। अब आपको क्या करना है एफ डबल डैश रूट ट्वेल्व की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो अब अगेन क्या करो एफ डैश एक्स का नेक्स्ट डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू लिखोगे आप दिस पार्ट इक्वल टू डिनोमीटर एज इट इज, तो एक्स क्यूब प्लस ट्वेल्व एक्स, और न्यूमीटर का क्या होगा बेटा टू एक्स माइनस न्यूमीटर एज इट इज, और आप क्या करोगे डिनोमीटर का डिफ्रेंशिएशन अपॉन डिनोमीटर का होल स्क्वायर। इधर तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व। अब इसमें देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों, क्योंकि जब एक्स सी को आप रूट ट्वेल्व पुट करोगे तो ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व ये तो बन गया आपका कंप्लीटली जीरो, तो ओनली ट्वेल्व का यूज इसमें करना है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स से एक पार्ट तो कैंसिल, तो फाइनली आ गया है टू एक्स अपॉन दिस पार्ट, और x को कॉमन लोगे तो x भी कैंसिल, तो इसमें जब पुट करोगे तो आ गया टू अपॉन भाई x को कैंसिल आउट, तो रूट ट्वेल्व का स्क्वायर ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व इज ट्वेंटी फोर, तो ये आ गया वन बाई ट्वेल्व, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकेंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है, आपको एक फंक्शन गिवन है जिसका माइनस वन से वन में क्या करना है इनवर्स फंक्शन को फाइंड आउट करना है। तो देखो बेटा कोई भी फंक्शन का इनवर्स अपन कब फाइंड आउट कर सकते हैं, जब फंक्शन क्या हो आपका वन वन एंड ऑन टू, बट इस क्वेश्चन में आपको जो चारों ऑप्शन गिवन है तो इसमें अपन को इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, तो इसको चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑप्शन आपको एक फाइनाइट यूनिक ऑप्शंस गिवन है, अदरवाइज कोई भी फंक्शन वन वन ऑन टू हो तो उसके लिए क्या करोगे पहले फंक्शन का क्या करना है इसका डिफरेंशिएशन करोगे। तो इस क्वेश्चन में जब आप इसका एफ डैश एक्स करोगे तो बेटा इसका एफ डैश एक्स आता है पॉजिटिव, तो ये फंक्शन आपका वन वन भी है और माइनस वन से वन में ये फंक्शन ऑन टू भी है, तो आपको उसको चेक करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, तो अपन डायरेक्ट इसका क्या करेंगे एफ इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स एक्स। तो एफ एक्स का जब आपको एफ इनवर्स एक्स फाइंड आउट करना है तो उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले आप एफ एक्स को क्या लेट करोगे वाई, तो लेट वाई इक्वल टू इसमें एट की पावर माइनस टू एक्स को न्यूमीटर डिनोमीटर से क्या एलसीएम ले लो आप, तो सिंपल हो जाएगा आपका, तो एट की पावर फोर एक्स माइनस वन अपॉन एट की पावर फोर एक्स प्लस वन। अब आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ वाई, तो इसमें क्या करो आप डायरेक्ट कंपोनेंट टू डिविडेंडो मेथड को अप्लाई करो, तो जब आप कंपोनेंट टू डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो क्या गए वाई अपॉन वन में लगाना है, तो वाई प्लस वन अपॉन वाई माइनस वन इक्वल टू न्यूमीटर में जब आप डिनोमीटर को ऐड करोगे तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एट की पावर फोर एक्स अपॉन न्यूमीटर में से डिनोमीटर को माइनस करोगे तो ये आ गया माइनस टू, तो टू से टू कैंसिल, और माइनस को जब इधर शिफ्ट करोगे तो फाइनली आ गया बेटा एट की पावर फोर एक्स इक्वल टू वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई, एट को जब इधर लेके आओगे तो ये लॉग में कन्वर्ट हो गया और फोर से डिवाइड, तो दिस पार्ट एक्स इक्वल टू वन बाई फोर लॉग ऑफ एट बेस ऑफ वन प्लस वाई अपॉन वन माइनस वाई। उसके बाद एक्स को तो पुट करना है एफ इनवर्स एक्स और वाई को रिप्लेस करना है अपन को एक्स से, तो इसका इनवर्स फंक्शन आ गया वन बाई फोर लॉग ऑफ एट बेस वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स। अब देखो इसमें ऑप्शन में क्या किया गया, इसका थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो गलत है क्योंकि बेस में ई है बट अपना बेस एट है, तो देखो और ये आ रहा है वन प्लस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स, तो वैसे ही फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया इसका, और चाहो तो आप इसमें क्या करोगे बेस चेंजिंग थ्योरम, तो जब आप इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लिखोगे तो इसका फाइनल आंसर जाएगा आपका सेकंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट इसमें गिवन है आपको एक पॉजिटिव नंबर है, लेट दी कर्व सी वन एंड सी टू इंटरसेक्ट ओरिजिन ओ एंड पॉइंट पी एंड दी लाइन एक्स इक्वल टू बी, बी आपको जीरो से गिवन है, इंटरसेक्ट दी कॉर्ड ऑफ ओ पी
एंड दी एक्स एक्सिस एट पॉइंट क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली. इफ दी लाइन एक्स इक्वल टू बी बाई सेक्ट दी एरिया बाउंडेड बाई दी कर्व सी वन एंड सी टू और डेल्टा ओ क्यू आर गिवन है आपको 1/2. तो आपको ए में एक रिलेशन फाइंड आउट करके चेक करना है कि वो रिलेशन किस ऑप्शन को क्या करता है सेटिस्फाई. तो देखो उसको कैसे ट्राई करोगे. सबसे पहले क्या करो आप सी वन सी टू कर्व को ड्रॉ करो. तो देखो बेटा फर्स्ट कर्व गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स. ए आपका पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट आउट पैराबोला होगा और सेकेंड इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए वाई. तो ये आ गया एक्स, दिस इज सी टू एंड दिस इज सी वन. ये बोला गया है ओ पे कट करता है और फर्स्ट पॉइंट इज पी. जब आप इन दोनों कर्व को सोल्व करोगे तो इसमें क्या करो वाई स्क्वायर को या फिर वाई की वैल्यू को ए पुट एक्स स्क्वायर अपॉन ए पुट करो तो उसको सोल्व करने पे एक पॉइंट तो आ गया 0 0. और इसमें जब एक्स को आप ए लेट करोगे और वाई को ए तो इससे ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और इससे भी क्या आएगा ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. तो इन दोनों कर्वों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो क्या होगा 0 0 एंड ए कोमा ए. तो इससे अपना थोड़ा टाइम बच जाएगा बेटा. उसके बाद बोला गया कि ओपी जो कोड है ये क्या ओपी कोड. तो इस ओपी कोड में आपको क्या करना है एक लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू दी वाई एक्सिस एक्स इक्वल टू बी. अब ये जो एक्स इक्वल टू बी लाइन है वो ओपी को तो कट करती है क्यू पे और एक्स को कट करती है आर पे. तो इससे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया ओ क्यू आर. तो इसका एरिया गिवन है आपको 1/2. तो देखो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेम होगा तो दिस इज बी और ये जो लाइन है क्या ये पॉइंट 0 0 है ये ए. तो ये लाइन किसकी है वाई इक्वल टू एक्स की. तो इसका वाई कोऑर्डिनेट भी क्या आ गया बेटा बी और आर पॉइंट क्या होगा बी कोमा 0. तो सबसे पहले डेल्टा ओ क्यू आर को लिख सकते हैं अपन. डेल्टा ओ क्यू आर गिवन है आपको 1/2 देन ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हाफ बेस बी एंड हाइट इज ऑल्सो बी. तो दिस इज 1/2 बी स्क्वायर. तो 1/2 बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1/2 देन इसको सोल्व करने पे आ गया बी इक्वल टू 1. तो इससे बी की वैल्यू तो मिल चुकी है अपन को. अब नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो एक्स इक्वल टू बी लाइन है इस एरिया को टू पार्टों में क्या करती है डिवाइड. तो वो देखो एक बार कौन कौन से रीजन है. तो एक पार्ट तो इसका दिस होगा और सेकेंड पार्ट इज दिस. तो ये बोथ एरियाज आर इक्वल. तो देखो फर्स्ट एरिया क्या लिखोगे 0 से b सी वन माइनस सी टू कर्व. तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम तो 0 से b को 1 लिख सकते हैं अपन और ये आ गया सी वन से y की वैल्यू क्या पुट करोगे रूट ऑफ ए एक्स माइनस सेकेंड से y की वैल्यू क्या पुट करोगे बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए इंटू डी एक्स इक्वल टू नेक्स्ट इज बी टू ए. तो ये आ गया बी को अगेन 1 पुट करो तो बी टू ए और ये ब्रैकेट सेम होगा तो इसको अगेन लिख देना इसमें. तो ये इसका एरिया इक्वल. अब इसको सोल्व करके आपको ए में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है. तो देखो कैसे ट्राई करोगे. मैं इसको इधर से रिमूव कर देता हूँ स्पेस के लिए और अब इसमें डायग्राम की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको तो अपन डायग्राम को भी रिमूव कर सकते हैं. तो देखो इसको सॉल्व करने पे लिखोगे आप रूट ए तो सेपरेट कर सकते हो और रूट एक्स का इंटीग्रेशन एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2 दिस इज 2/3 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या लिखोगे एक्स क्यू बाई 3. तो आ गया एक्स क्यू बाई 3 ए. इसकी लिमिट लगा दो 0 से 1 और राइट साइड का इंटीग्रेशन भी क्या होगा सेम ही होगा इसमें. तो इसको लिखने पे आ गया अगेन 2√x³/3/2 अपॉन 3 माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3a 1 से a. अब देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे. जब आप इसमें x को 1 पुट करोगे तो x 1 और ये भी 1 तो ये आ गया 2√a/3 माइनस 1/3 इक्वल टू 0 पे 0. इसमें जब x को a पुट करोगे तो ये a की पावर 3/2 a रूट ए और a रूट ए इंटू रूट ए दिस इज 2a² / 3 माइनस
ए क्यूब को ए से कैंसिल, तो अगेन ए स्क्वायर बाई थ्री, तो ये फाइनली आ गया 2a² / 3 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 3। तो इसको सॉल्व करने पे लिख सकते हैं अपन ए स्क्वायर अपॉन 3, और जब इसमें 1 पुट करोगे तो ये पार्ट किस में आएगा, माइनस में, और ये इसके इक्विवेलेंट होगा, तो इसको अपन डबल लिख सकते हैं। यस, उससे देखो क्या हुआ, 3 से 3 तो कैंसिल आउट हो गया, और तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और साथ ही साथ ए इसमें क्या लो, एलसीएम, तो ये फाइनली आ गया बेटा 4√a माइनस 2/a इक्वल टू ए स्क्वायर। अब इसको मैं रिमूव कर देता हूँ इसमें से, तो a को अगेन मल्टीप्लाई करोगे तो 4a√a माइनस 2 इक्वल टू ए क्यूब। अब अपन को इस रूट को रिमूव करना है तो 2 को उधर शिफ्ट करो, तो ये आ गया ए क्यूब प्लस 2 इक्वल टू 4a इंटू रूट ए। अब इसकी बोथ साइड क्या करोगे आप, स्क्वायरिंग, तो ए क्यूब का स्क्वायर इज ए सिक्स प्लस 4, और ये होगा प्लस 4a³ इक्वल टू, इसकी स्क्वायरिंग करने पे क्या आएगा, 16a³, 16 ऑफ a³। इस 16a³ को जब आप राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो फाइनली दिस पार्ट आ गया a की पावर 6 माइनस 12a³ प्लस 4 इक्वल टू 0। तो अब देखो x को a पुट करने पे वो किस इक्वेशन के इक्वलेंट होगी दिस पार्ट, तो देखो ये इक्वेशन किसके इक्वलेंट है, फोर्थ के इक्वलेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद देखो नेक्स्ट 9 क्वेश्चन, लेट दी लाइन y इक्वल टू mx एंड दी इलिप्स दिस पार्ट इंटरसेक्ट एट पॉइंट p इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इफ दी नॉर्मल टू दी इलिप्स एट पॉइंट p मीट दी कोऑर्डिनेट एक्सिस एट दिस पार्ट एंड दिस पार्ट। तो बेटा इसमें लिखना भूल चुके हैं, देन बीटा इज इक्वल टू, इसमें आपको बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो देखो कैसे ट्राई करोगे। सबसे पहले आपको इसमें एलिप्स को ड्रॉ करो, तो सिंपल क्वेश्चन है वैसे, इसमें बोला गया कि एलिप्स के मैंने इसको पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिटर्न करो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू 1, तो इसका मेजर एक्सिस 1 है और माइनर एक्सिस 1/2 है, तो इसका डायग्राम ड्रॉ होगा ऐसे। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसमें एक लाइन है वाई इक्वल टू एम एक्स, इसको ये पी पॉइंट पे क्या करती है, कट, और इस पी पॉइंट पे आप क्या ड्रॉ करोगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो ये तो टेंजेंट है, तो लेट ये आपने क्या ड्रॉ किया इसका नॉर्मल, ये एंगल 90 है, तो ये नॉर्मल एक तो इस पॉइंट पे कट करता है माइनस 1/3√2,0 एंड दिस पॉइंट गिवन है 0, बीटा, तो फिर आपको सोल्व करके बीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। देखो क्या करोगे इसमें, सबसे पहले आप क्या करो, पॉइंट पी पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को रिटर्न करोगे, तो देखो ये अपन को डायरेक्ट पता होना चाहिए कि पॉइंट अगर लेट x1, y1 है तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पी इज क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर एक्स अपॉन x1 माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन y1 इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो अब इसमें पॉइंट पी आप कंसीडर करो, पी पैरामीट्रिक फॉर्म में, ए आपका 1/2 है, तो इस पर पॉइंट क्या लेट करोगे, सॉरी ए स्क्वायर 1/2 और बी स्क्वायर 1, तो ए आ गया 1/√2, तो पॉइंट आ गया ए कोस थीटा, मतलब कोस थीटा अपॉन √2, sin थीटा। तो ये तो x1 है, दिस इज y1, और ए स्क्वायर को 1/2 पुट करना है, बी को 1, तो इससे फाइनली आ गया ये एक्स अपॉन भाई x1 को क्या लेना है, कोस थीटा, भाई 1/2 लोगे तो 2 आ गया डिवाइड में, और कोस थीटा डिनोमीटर में √2 न्यूमीटर में, तो ये आ गया √2 cos थीटा माइनस बी स्क्वायर तो 1 है तो 1 हो गया, वाई अपॉन y1 इज साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर इज 1/2 एंड बी स्क्वायर इज 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 इज -k½। ठीक है, अब दिस पार्ट इज इक्वेशन नॉर्मल एट पॉइंट पी। अब क्या बोला गया है, दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट
माइनस वन अपॉन थ्री रूट टू कोमा जीरो, तो इसमें एक्स को तो पुट करोगे माइनस के थ्री रूट टू वन अपॉन, और वाई को पुट करना है जीरो, तो उससे क्या होगा आपको कॉस और साइन में रिलेशन मिलेगा, या सॉरी कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। तो देखो कैसे करोगे, तो इसमें पुट करोगे तो आ गया वन अपॉन थ्री रूट टू इंटू रूट टू, तो वन अपॉन सिक्स कॉस थीटा इक्वल टू माइनस, आप तो माइनस से माइनस कैंसिल करोगे तो वन बाई टू, वन बाई टू से वन बाई टू कैंसिल, तो कॉस थीटा आ गया बेटा वन बाई थ्री। चलो उसके बाद दिस इज ऑल्सो पासिंग थ्रू दी पॉइंट जीरो कोमा बीटा, तो एक्स को जीरो लोगे तो जीरो हो गया, तो ये आ गया बीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, देन बीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टू, तो ये आ गया बीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन टू। कॉस थीटा आपको वन बाई रूट थ्री गिवन है, तो देखो ये वन है ये थ्री है, तो ये क्या आ गया टू रूट टू, दिस इज थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे टू रूट टू अपॉन थ्री, तो टू से टू कैंसिल करोगे तो आ गया रूट टू अपॉन थ्री, तो इसका सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट होगा। उसके बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन, इसमें आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसको सोल्व करके आपको y माइनस वन बाई रूट टू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, इसमें आप यूज करोगे वेरिएबल सेपरेशन, तो क्या करो dx को इधर मल्टीप्लाई करो पहले, और रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और रूट वन माइनस वाई स्क्वायर को सेपरेट करो इसमें, तो दिस पार्ट आ गया dy अपॉन रूट ऑफ वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस dx अपॉन रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या आ गया साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स इक्वल टू होगा कॉन्स्टेंट। अब सबसे पहले क्या करो, सी की वैल्यू को फाइंड आउट, तो सी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक रिलेशन गिवन है कि एक्स को वन बाई टू लेने पे वाई गिवन है रूट थ्री बाई टू, तो इधर एक्स को जब वन बाई टू पुट करोगे तो ये क्या आ गया साइन वर्स वन बाई टू इज पाई बाई सिक्स, और साइन वर्स रूट थ्री बाई टू इज पाई बाई थ्री, तो इसको सोल्व करने पे सी क्या होगा बेटा 90 डिग्री, क्या आ गया सी 90 डिग्री, तो सी को पहले 90 पुट करो और इससे वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, तो ये लिख सकते हैं अपन साइन इनवर्स वाई इक्वल टू 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो आ गया वाई इक्वल टू साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब एट एक्स इक्वल टू माइनस के वन बाई रूट टू, तो देखो एक्स को माइनस के वन बाई रूट टू लोगे तो ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, तो ये 45 डिग्री, और 90 प्लस 45 135, तो साइन 135 की वैल्यू क्या होती है वन बाई रूट टू, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा थर्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए टोटोलॉजी, तो टोटोलॉजी का मीनिंग क्या है कि इन एक्सप्रेशन को आपको यूनिवर्सल का मतलब ट्रू प्रूव करना है, तो देखो कैसे स्टार्ट करोगे, इसको वन बाई वन ऑप्शन से चेक करना है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन को कैसे ट्राई करना है, वी नो दैट पी इम्प्लाई दैट क्यू का मीनिंग क्या होगा नेगेशन पी यूनियन क्यू, तो इसको यूज करना है अपन को, तो सबसे पहले क्या करोगे फर्स्ट ऑप्शन में आप पी इम्प्लाई दैट क्यू को सिंप्लीफाई करोगे तो दिशा आ गया पी नेगेशन पी यूनियन क्यू और टेंस टू क्यू। उसके बाद आप इसमें कम्यूटेटिव लॉ लगाओगे तो इंटरसेक्शन को अंदर शिफ्ट कर सकते, तो आ गया पी इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ पी यूनियन पी इंटरसेक्शन क्यू टेंस टू क्यू। आफ्टर दैट सेट पी का जब आप पी के नेगेशन के साथ जब इंटरसेक्शन लोगे, जैसे लेट ये पी है और ये इसका आउटर पोर्शन है, तो जब आप इन दोनों का क्या लोगे
इंटरसेक्शन, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाई, मतलब दिस इज फॉल्स, तो ये आ गया फॉल्स या फुलाय दिस पार्ट पी इंटरसेक्शन क्यू टेंज टू क्यू। उसके बाद जब आप दिस पार्ट का इस फॉल्स के साथ लोगे यूनियन, तो किसी भी सेट का जब अपन फॉल्स के साथ यूनियन लोगे तो अगेन दिस पार्ट आ गया, क्योंकि फॉल्स का मतलब फाई, तो फाई का किसी सेट के साथ क्या लेते हैं यूनियन, तो वो सेट लिखना है, और अगर इंटरसेक्शन लोगे तो फाई आता है, तो दिस पार्ट आ गया पी इंटरसेक्शन क्यू टेंज टू क्यू। अगेन इसमें दिस लॉ को यूज करोगे आप तो दिस पार्ट इज नेगेशन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू यूनियन क्यू, तो इसका जब नेगेशन लोगे तो क्या आ गया नेगेशन पी यूनियन नेगेशन क्यू यूनियन क्यू। और जब आपको थ्री सेट का यूनियन लेना है तो किसी का कभी भी यूनियन ले सकते हैं, तो उसको सेपरेट करोगे तो आ गया नेगेशन ऑफ पी यूनियन नेगेशन ऑफ क्यू यूनियन क्यू। तो क्यू का जब क्यू बार के साथ आप यूनियन लोगे तो फाइनली क्या आ गया, ये यूनिवर्सल सेट आ गया, क्या आ गया यूनिवर्सल सेट, मतलब दिस इज ट्रू। और यूनिवर्सल सेट का जब आप किसी भी सेट के साथ अगेन यूनियन लोगे तो फाइनली कितना आ गया है ट्रू, तो दिस इज ए टोटोलॉजी। तो वैसे तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फर्स्ट, फिर भी अपन सेकेंड और थर्ड ऑप्शन को चेक करोगे तो देखो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा। सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है पी यूनियन क्यू, ये पी है और ये क्यू है, तो इन दोनों का यूनियन आ गया दिस पार्ट। इसका जब पी के साथ आप क्या लोगे यूनियन, तो दिस पार्ट होगा ना, तो इट इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट, तो सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। सिमिलरली आप थर्ड ऑप्शन को सिंप्लीफाई करोगे तो इससे दिस इज नॉट ए यूनिवर्सल सेट। ऐसे ही अपन को फोर्थ ऑप्शन को क्या करना, फर्स्ट के अकॉर्डिंग ट्राई करना है। बट जब आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है तो आपको फोर्थ ऑप्शन को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अपन इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इज दी वॉल्यूम ऑफ दी पैरेलल पाइप्ड हुज कोटर्मिनियस एजेज आर गिवन दी थ्री वैक्टर्स दिस पार्ट कॉमा दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज वन क्यूब यूनिट एंड थीटा इज दी एंगल बिटवीन दी यू वैक्टर एंड डब्ल्यू वैक्टर देन फाइंड दी कॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या करो आप, इसमें कॉस थीटा का मीनिंग क्या होगा, यू और डब्ल्यू के बिटवीन एंगल, तो कॉस थीटा का मीनिंग यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर अपॉन यू वेक्टर अपॉन यू डॉट मॉड डब्ल्यू, यू वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर अपॉन मॉड यू इनटू मॉड डब्ल्यू का वेक्टर। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ गया, देखो यू को आपको डब्ल्यू वेक्टर के साथ डॉट करना है, तो देखो टू आई को आई के साथ करोगे तो टू, प्लस जे कैप को जे कैप के साथ करोगे तो वन, प्लस लैम्डा अपॉन प्लस वन अपॉन ये आ गया रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर प्लस टू एंड रूट ऑफ सिक्स। अब आपको इसमें लैम्डा की वैल्यू को फाइंड आउट करके पुट करना है, उसी के बाद आप चेक कर पाओगे कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले क्या करो, पैरेलल पाइप का जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी इक्वल टू वन, तो बॉक्स का मीनिंग ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री, सिमिलरली बी वन वन बी वन टू बी वन थ्री एंड सी वन वन सी वन टू एंड सी वन थ्री। तो आप करोस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट को लिख दो उसमें वन वन थ्री एंड टू वन वन। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है, तो वन ऑफ वन माइनस थ्री इज माइनस टू, माइनस वन ऑफ इस रो और कॉलम को रिमूव करोगे तो वन माइनस सिक्स इज माइनस फाइव और लैम्डा और ये आ गया प्लस लैम्डा ऑफ माइनस वन इक्वल टू वन। लेकिन वॉल्यूम और एरिया के केस में ऑलवेज क्या लगाते हैं, मोड, तो आप मोड लगाओगे, तो उसको सोल्व करने पे आ गया मोड ऑफ ये माइनस लैम्डा प्लस फाइव माइनस टू प्लस थ्री का मोड इक्वल टू आ गया बेटा वन। तो फाइनली आ गया लैम्डा माइनस थ्री का मोड इक्वल टू वन। तो जब एक बार टेकिंग प्लस लोगे तो लैम्डा क्या होगा फोर, और टेकिंग माइनस लोगे तो लैम्डा आ गया बेटा टू। तो आप वन बाई वन चेक करो, तो इफ लैम्डा इक्वल टू
टू, जब आप लैम्डा को टू लोगे तो ये आ गया थ्री प्लस टू फाइव अपॉन, मतलब कॉस थीटा क्या आ गया फाइव अपॉन रूट सिक्स रूट ट्वेंटी नाइन, और इफ लैम्डा इक्वल टू फोर लोगे तो क्या आ गया फोर प्लस दिस पार्ट इज सेवन अपॉन रूट सिक्स और रूट एटीन, रूट सिक्स इंटू रूट एटीन, रूट एटीन को लिख सकते हैं अपन टू रूट थ्री, सॉरी थ्री रूट टू, तो फाइनली ये आ गया सेवन अपॉन थ्री रूट टू और रूट टू इंटू सिक्स रूट ट्वेल्व, और रूट ट्वेल्व को अगेन लिख सकते हैं अपन टू रूट थ्री, तो सिक्स हो गया फाइनली, तो दिस पार्ट सिक्स और दिस इज फोर, तो ये आ गया सिक्स सेवन अपॉन सिक्स फोर रूट, सेवन अपॉन सिक्स रूट थ्री, तो सेवन अपॉन सिक्स रूट थ्री, देन करेक्ट आंसर इज सेकेंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज, लेट टू पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस पार्ट, इफ ए पॉइंट पी एक्स डैश कॉमा वाई डैश वी सच दैट द एरिया ऑफ डेल्टा पी ए वी इज फाइव स्क्वायर यूनिट एंड पॉइंट पी लाइज ऑन दी दिस लाइन, देन फाइंड दी वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो ट्राइंगल का एरिया आपको गिवन है फाइव, तो ट्राइंगल का एरिया क्या होगा हाफ डिटर्मिनेंट ऑफ दिस पार्ट इक्वल टू फाइव। तो आप सबसे पहले क्या करो, पॉइंट पी को लेट करो, पी इसमें आपने अगर एक्स को अल्फा लेट किया और पी लाइज ऑन दी लाइन दिस पार्ट, तो इससे इसका वाई कोऑर्डिनेट लिख सकते हो बेटा फोर लैम्डा माइनस थ्री एल्फा। तो आप सबकी वैल्यू को पुट करो डिटर्मिनेंट में, तो ये आ गया एल्फा फोर लैम्डा माइनस थ्री एल्फा एंड वन, और फर्स्ट पॉइंट इज वन माइनस वन जीरो, सॉरी वन एंड जीरो टू एंड वन। अब आप इस डिटरमिनेंट को क्या करोगे, पहले सॉल्व करना है, तो देखो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पे क्या गया वन बाई टू ऑफ अल्फा माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री अल्फा माइनस दिस पार्ट फोर लैम्डा माइनस थ्री अल्फा ब्रैकेट, इस रो और कॉलम कटाओगे तो आगे वन माइनस जीरो इज वन, तो ये आगे वन, और प्लस टू माइनस जीरो इज अगेन प्लस टू इक्वल टू फाइव, और ये एरिया है तो इस पर अगेन आप क्या करोगे मोड लगाना है। तो देखो माइनस थ्री अल्फा से प्लस थ्री अल्फा कैंसिल, तो आपने जो पॉइंट पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट लेट किया एक वेरिएबल, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो गया इसमें से एलिमिनेट, तो फाइनली दिस पार्ट आ गया, ये तो टेन हो गया उधर, तो कितना आ गया देखो मोड ऑफ माइनस फोर लैम्डा और प्लस टू का मोड इक्वल टू टेन, तो दिस पार्ट इज फोर लैम्डा माइनस टू इक्वल टू प्लस माइनस टेन। जब आप टेकिंग प्लस लोगे तो प्लस टेन और टू ट्वेल्व, तो लैम्डा इज थ्री, तो इसके अकॉर्डिंग तो आ गया लैम्डा इक्वल टू थ्री, और जब बेटा आप टेकिंग माइनस लोगे तो माइनस टेन और प्लस टू इज माइनस एट और वाई फोर करोगे तो लैम्डा इक्वल टू क्या आ गया बेटा माइनस के टू। तो इसमें देख लो लैम्डा का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी इसमें थ्री, तो देन करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज 14 क्वेश्चन, लेट एफ आर टू आर बी ए सच दैट फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ये आपको थ्री नंबर गिवन है आर इन ए पी, देन फाइंड दी मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो थ्री नंबर आपके ए पी में, तो ए पी की कंडीशन क्या लिखोगे टू वी इक्वल टू ए प्लस सी, तो आगे बेटा टू एफ एक्स इक्वल टू टू की पावर वन प्लस एक्स प्लस ऑफ टू की पावर वन माइनस एक्स प्लस थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर माइनस एक्स। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इससे आ गया एफ एक्स इक्वल टू वन बाई टू ऑफ, इधर देखो इसमें से टू कॉमन, तो ब्रैकेट में आ गया बेटा टू की पावर एक्स प्लस टू की पावर माइनस एक्स प्लस थ्री की पावर एक्स प्लस थ्री की पावर ऑफ माइनस एक्स। अब आपको एफ एक्स की क्या बतानी मिनिमम वैल्यू, तो एफ एक्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो डिपेंड्स ऑन
दिस पार्ट एंड 3 की पावर x प्लस 3 की पावर माइनस x. तो देखो 2 की पावर x और 2 की पावर माइनस x बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर. तो आप इसकी मिनिम वैल्यू के लिए क्या यूज कर सकते हो, am greater than equal to gm. तो जैसे ही आप इसमें am greater than gm अप्लाई करोगे तो इसकी मिनिम वैल्यू क्या होती है, 2. और सिमिलरली इसकी भी मिनिम वैल्यू क्या होगी, 2. और इन दोनों केसों में जो इनकी मिनिम वैल्यू है वो लाई करेगी एट x इक्वल टू 0 पे. तो अपन दोनों की मिनिम वैल्यू को क्या लेट कर सकते हैं, 2. तो ये आ गया 2 into 2 4 plus 2 6 और 6 upon 2 is 3. तो जो fx है उसकी वैल्यू क्या होगी, greater than equal to 3. तो आपको fx की मिनिम वैल्यू क्या होगी इसके अकॉर्डिंग, 3. तो देन करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड ऑप्शन. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है आपको बोला गया इसमें कि मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशंस आर 20 एंड 2 रेस्पेक्टिवली. ईच ऑफ दीज नंबर्स या ऑब्जर्वेशंस इज मल्टीप्लाइड बाय पी एंड देन रिड्यूस्ड बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू बोथ आर नॉन जीरो. इफ द न्यू मीन एंड वेरिएंस या एस डी बिकम हाफ ऑफ देयर ओरिजिनल वैल्यू, मतलब इस 20 और 2 को हाफ करना है, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू. तो देखो कैसे ट्राई करोगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. तो देखो सबसे पहले आप लेट करो 10 ऑब्जर्वेशंस इज एक्स वन एक्स टू डॉट 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 एक्स टेन. तो सबसे पहले इनका मीन क्या होगा, एवरेज एक्स वन या सिग्मा एक्स आई अपॉन टेन इक्वल टू क्या गिवन है क्वेश्चन में, 20. तो इससे एक रिजल्ट आ गया सिग्मा एक्स आई इक्वल टू 200, मतलब एक्स वन से लेके एक्स टेन का सम आ गया 200. और मीन को अपन लिख सकते हैं एक्स बार इक्वल टू 20. इसका यूज है थोड़ी देर बाद देखना. उसके बाद इसका जो एच डी बोला गया है वो कितना है, 2. तो वेरिएंस क्या होगा इसका, 4, क्योंकि वेरिएंस का जो रूट है वो क्या होगा, एच डी. तो एच डी आपको 2 गिवन है, तो वेरिएंस क्या आ गया इसका, 4. तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, वेरिएंस इज सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस मीन का स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है, 4. तो देखो ये क्या आ गया, एक्स बार कितना गिवन है, 20. तो 20 का स्क्वायर 400 प्लस 4 इज 404. और बाद में इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उससे एक रिजल्ट मिल गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर इक्वल टू 4040. इस इक्वेशन का भी यूज करना अपन को बाद में. तो देखो क्या करना है इसके बाद, ये तो फर्स्ट कंडीशंस का काम हो गया. अब नेक्स्ट बोला गया कि ईच ऑफ दीज ऑब्जर्वेशंस इज मल्टीप्लाई बाय पी एंड रिड्यूस्ड बाय क्यू, देन न्यू मीन इज 10 एंड न्यू एच डी इज 1. तो देखो न्यू मीन क्या होगा, तो आपको ईच नंबर को पी से मल्टीप्लाई करना है और माइनस क्यू करना है. तो इसका क्या आ गया, सिग्मा पी एक्स आई माइनस क्यू अपॉन एन इक्वल टू गिवन है आपको 10. तो देखो इसको सोल्व करते हैं, तो पी एक्स आई कितनी बार है, 10 टाइम. तो ये आ गया पी ऑफ सिग्मा एक्स आई माइनस क्यू को कितनी बार ऐड करना है, 10 टाइम्स. तो ये आ गया 10 क्यू अपॉन दिस इज 10 इक्वल टू 10. और सिग्मा एक्स आई की वैल्यू को क्या यूज कर सकते हैं अपन, 200. तो ये फाइनली आ गया 200 पी माइनस 10 क्यू इक्वल टू 100. जब आप 10 से 10 कैंसिल करोगे तो इससे एक रिलेशन आ गया 20 पी माइनस क्यू इक्वल टू 10. अपन इसको इधर से रिमूव कर देते हैं, तो 20 पी माइनस क्यू इक्वल टू 10. तो एक रिलेशन तो पी और क्यू में आ गया, क्योंकि आपको क्यू को फाइंड आउट करना है. तो सेकंड रिलेशन के लिए इसका क्या करना है, वेरिएंस यूज करना है. भाई न्यू केसेज में जो एच डी है वो कितना है, 1. तो उसका वेरिएंस भी क्या होगा, 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर इज 1. बट इसमें एक कंडीशन है, या सॉरी एक नोट है, उसको याद करना है अपन को कि ईच ऑब्जर्वेशन में आप किसी नंबर्स को ऐड या सबट्रैक्ट करते हो तो वेरिएंस इज डज नॉट चेंज. तो आप इसमें प्लस क्यू लिखो या उसको रिमूव करो या हटा सकते हो, तो उस केस में वेरिएंस डज नॉट चेंज और एच डी डज नॉट चेंज. तो आपको ओनली क्या करना है, ऑब्जर्वेशन को पी से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है.
तो न्यू केस में वेरिएंस क्या होगा, सिग्मा पी एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार न्यू इक्वल टू आ गया बेटा ये वन। तो इसको तो रिमूव कर देते अपन, तो इसको सोल्व करने पे देखो क्या होगा, पी स्क्वायर सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर न्यू ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 101, और 101 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ गया 1010, और सिग्मा एक्स आई स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है आपको 40, तो आप इस 40 को डिवाइड में लेके आओगे तो इससे बेटा पी स्क्वायर क्या आ गया 1/4, देन पी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 1/2। अब आप प्लस माइनस 1/2 को इक्वेशन सेकंड में यूज करो तो देखो क्या होगा, इससे इफ पी इक्वल टू 1/2, पी को 1/2 पुट करोगे तो क्या आ गया 10, और 10 माइनस 10 इज 0, तो इससे क्या आ गया q इक्वल टू 0, बट क्वेश्चन में q को 0 के लिए मना किया गया। तो नेक्स्ट अगेन p को जब आप लेट करोगे बेटा माइनस के 1/2, तो p को माइनस के 1/2 पुट करोगे तो क्या आ गया माइनस 10, माइनस 10 इज 10 प्लस 10, और माइनस को शिफ्ट करोगे तो इससे क्या आ गया q इक्वल टू माइनस के 20, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 4th। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज फोर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्ड पेयर म्यू कॉमा डेल्टा द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट, तो कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या हो इनकंसिस्टेंट, तो उसकी कंडीशन क्या होगी कि डेल्टा तो क्या होना चाहिए 0, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 में एनी वन ऑफ दी नॉन जीरो। तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, इसका डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इसका लिखो डेल्टा इक्वल टू, तो डेल्टा क्या होगा एक्स वाई जेड के कोफिशियंट की डिटरमिनेंट, तो 1 2 3 3 4 5 एंड 4 4 4। तो इसको फाइनली सॉल्व करोगे तो देखो जब आप R2 में से R1 को माइनस करोगे तो क्या आ गया 2 2 2, और ये 4 4 4, तो R2 और R3 का रेशियो क्या सेम, तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी डेल्टा इज 0। सिमिलरली डेल्टा 1 में क्या करना है, डेल्टा 1 के लिए क्या करोगे आप एक्स के कोफिशियंट को क्या करना है इन कॉन्स्टेंट टर्म से रिप्लेस करना है, तो 1 म्यू डेल्टा सेकेंड और थर्ड कॉलम इज सेम 3 5 एंड 4। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखो डेल्टा 1 क्या आ गया, डेल्टा 1 इक्वल टू 4 और 4 16 माइनस 20 माइनस 4, उसके बाद ये माइनस म्यू होगा, और 4 2 8 माइनस 12 माइनस 4 और माइनस म्यू प्लस 4 म्यू प्लस 4 ऑफ म्यू प्लस डेल्टा, और 10 माइनस 12 इज माइनस 2, तो ये आ गया माइनस के 2 डेल्टा। चाहो तो उसको अगेन लिख सकते हो डेल्टा 1 इक्वल टू 4 म्यू माइनस 2 डेल्टा माइनस 4। सिमिलरली आप क्या करोगे इसका डेल्टा 2 चेक करोगे, तो डेल्टा 2 को फाइंड आउट करने में क्या करना है, इस बार C2 कॉलम को 1 म्यू और डेल्टा से रिप्लेस करना है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो उससे वैल्यू आती है 4 डेल्टा माइनस 8 म्यू प्लस 8। सिमिलरली इसका जो डेल्टा 3 है उसमें क्या होगा, इस बार C3 कॉलम को आपको 1 म्यू डेल्टा से रिप्लेस करना है। तो बेटा जब इसको सोल्व करोगे ना डेल्टा 3 को, तो ये भी किसके इक्वलेंट आता है डेल्टा 1 के इक्वलेंट। अब आपको क्या करना है कि ऑप्शन से म्यू और डेल्टा की वैल्यूज को पुट करके देखना है कि किससे डेल्टा 1 डेल्टा 2 में एनी वन ऑफ दी नॉन जीरो। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में जब आप म्यू को 4 और डेल्टा को 6 लोगे तो 4 और 4 16 और 12 माइनस 4 16, तो 16 माइनस 16 क्या आ गया 0। सिमिलरली जब आप इसमें पुट करोगे सेकंड में तो म्यू को 4 लेना है तो 8 इंटू 4 32, और ये आ गया 6 इंटू 4 24 प्लस 8 32, तो ये भी क्या आ गया दोनों 0। तो इसका मीनिंग है कि 4 और 6 के केस में दिस पार्ट हैज
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ऐसे ही जब आप सेकंड ऑप्शन को पुट करोगे तो देखो 4 और 4 16 और 3 × 2 = 6 −4 = 10, तो दिस डेल्टा 1 इज नॉन जीरो और डेल्टा 2 आपका जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो नो प्रॉब्लम, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा सेकंड। और जब आप थर्ड और फोर्थ को पुट करोगे बेटा इसमें, तो उस केस में डेल्टा 1 डेल्टा 2 बोथ आर जीरो साइमल्टेनियसली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ गया सेकंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ दी इक्वेशन इक्वालिटी की क्वेश्चन गिवन है आपको एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 बी बिलोंग्स टू आर हैज कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स रूट, मतलब इसके रूट आपके इमेजिनरी भी है और कॉम्प्लेक्स क्या कॉन्जुगेट, दे सेटिस्फाई दी इक्वेशन या मॉडुलस ऑफ जेड प्लस 1 इक्वल टू 2√10, देन विच ऑफ दी फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ये देखना है कि बी किसको सेटिस्फाई करता है। तो देखो कैसे स्टार्ट करोगे, इक्वालिटी की क्वेश्चन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 45 इक्वल टू जीरो, इसके बोथ रूट्स क्या इमेजिनरी सॉरी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो इसका 1√ तो लेट करो अल्फा प्लस आयोटा बीटा और सेकेंड इज एल्फा माइनस आयोटा बीटा, तो इससे सम ऑफ रूट तो क्या होगा सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी देन दिस इज 2α, तो 2α इक्वल टू आ गया माइनस बी। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ रूट करोगे आप प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा 45, तो दिस पार्ट इज इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 45, तो इन दोनों से आपको टू रिलेशन मिल चुके हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, जेड का मीनिंग क्या है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तो जेड को जब आप अल्फा प्लस आयोटा बीटा इसमें पुट करोगे और उसका क्या लोगे मोड, तो दिस पार्ट क्या आ गया एक्स प्लस सॉरी दिस इज अल्फा, या फिर लिख देते अपन अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस 1 का मोड इक्वल टू 2√10, तो अल्फा प्लस 1 का इसका मोड क्या होगा अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 40। अब क्या करना है स्क्वायरिंग करोगे तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2α प्लस 1 इक्वल टू 40। अब देखो अल्फा स्क्वायर पर बीटा स्क्वायर को क्या पुट कर सकते हैं 45, तो इसको जब आप 45 लोगे तो सोल्व करने पे इससे अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 45 × 46 इज −6 दिस पार्ट इज 3, तो इससे अल्फा आ गया −3 और अल्फा को −3 जब आप इधर लेट करोगे तो इससे बी आ गया 6, क्या आ गया बी इक्वल टू, अब बी इक्वल टू 66 देख लो किस ऑप्शन को सेटिस्फाई करता है 36 प्लस 6 42 गलत, 36 माइनस 6 इज 30 एंड फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा 36 माइनस 6 इज 42, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सेकंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस पार्ट एंड दिस पार्ट, आपको क्वेश्चन में टू लाइंस मैंने तो इनके बिटवीन क्या करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो अब देखो ये लाइन स्क्यू लाइंस होंगी जनरली, तो आप क्या करो सिंपली क्योंकि इन दोनों का की जो डायरेक्शन रेशियो है वो क्या है डिफरेंट है, तो ये लाइन पैरेलल तो हो नहीं सकती नॉन पैरेलल है, और दो लाइन अगर नॉन पैरेलल है और आपको उनके बिटवीन क्या करनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो उसी केस में पॉसिबल है कि वेन बोथ लाइंस आर स्क्यू लाइंस, क्योंकि अगर बोथ लाइंस आर नॉट स्क्यू देन दीज लाइन इन दी सेम प्लेन और बोथ आर नॉन पैरेलल, तो उस केस में एच डी डिस्टेंस क्या होगी जीरो, तो आप क्या करो एच डी का फॉर्मूला यूज करो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, तो उससे ऑटोमेटिक आपके पास जो आंसर है उससे पता चल जाएगा कि अगर एच डी जीरो आ गई जीरो आती है बाई चांस तो बोथ लाइंस आर नॉट स्क्यू लाइंस, और अगर एच डी की कुछ वैल्यू मिलती है पर्टिकुलर तो बोथ लाइंस आर स्क्यू लाइंस, और वैसे जनरली ऑप्शन के अकॉर्डिंग एच डी होंगी 100%, तो अपन क्या करते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं इसमें, तो अब एच डी का फॉर्मूला आप सबको याद होना चाहिए क्या होगा एच डी का फॉर्मूला एक्स टू माइनस एक्स वन, इसका एक्स वन वाई वन जेड वन तो क्या है 3 8 3 और एक्स टू वाई टू जेड टू इज -3
माइनस सेवन एंड सिक्स, तो एक्स टू माइनस एक्स वन क्या गया, माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस सिक्स, माइनस सेवन और माइनस एट इज माइनस फिफ्टीन एंड सिक्स माइनस थ्री इज थ्री, और ये क्या होगा ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू सी थ्री, तो थ्री माइनस वन वन और माइनस थ्री टू और फोर अपॉन डिनोमीटर में क्या लिखना है आई कैप जे कैप के कैप और ए वन बी वन सी वन और ए टू बी टू सी टू, तो दिस पार्ट इज थ्री माइनस वन एंड वन एंड माइनस थ्री टू एंड फोर, बस आपको उसको सॉल्व करना है। तो एच डी क्या होगी, एच डी इक्वल टू, तो देखो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, इसका एक बार मोड और लेना अपन को क्योंकि डिस्टेंस है, तो सिक्स माइनस सिक्स माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स, तो दिस इज थर्टी सिक्स और माइनस को करोगे तो प्लस फिफ्टीन और ये आ गया ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन और दिस इज प्लस थ्री ऑफ सिक्स माइनस थ्री इज थ्री, तो फाइनली अपॉन, अब देखो ये तो सिंपल है अपॉन में मॉड ऑफ आई कैप, इसको इससे करने पे क्या आ गया माइनस फोर माइनस टू माइनस सिक्स आई कैप और ये फिफ्टीन आएगा, तो प्लस फिफ्टीन जे कैप और प्लस थ्री ऑफ के कैप, तो देखो शॉर्टेड डिस्टेंस क्या होगी एस डी इक्वल टू फिफ्टी फाइव सॉरी फिफ्टीन इंटू फिफ्टीन टू ट्वेंटी फाइव और सिक्स और सिक्स थर्टी सिक्स प्लस नाइन अपॉन, जब आप इसका मोड लोगे तो क्या होगा रूट ऑफ थर्टी सिक्स प्लस टू ट्वेंटी फाइव प्लस ऑफ नाइन, तो फाइनली क्या आ गया फोर्टी फाइव और ट्वेंटी फाइव टू सेवेंटी और ये ऑल्सो क्या होगा टू सेवेंटी, तो टू सेवेंटी अपॉन रूट टू सेवेंटी, दिस इज रूट ऑफ टू सेवेंटी, तो उसको क्या लिख सकते हैं अपन नाइन इंटू थर्टी रूट ऑफ नाइन इंटू थर्टी, तो दिस पार्ट इज थ्री रूट थर्टी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा सेकेंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट जीरो कॉमा माइनस वन एंड ए पॉइंट ऑन द पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई इंटरनली इन द रेशियो वन रेशियो टू, तो देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको एक पैराबोला गिवन है क्या एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, ये गिवन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू फोर वाई, अब क्या करना है इस पे एक पॉइंट तो है जीरो कोमा माइनस वन और एक पॉइंट आपको लेट करना है पैराबोला पे, तो इस पे पैराबोला पे लेट करो पॉइंट पी, आप जब वाई को अल्फा लोगे तो इसका एक्स क्या आ गया टू अल्फा, तो ये पॉइंट आ गया बेटा टू अल्फा कोमा सॉरी वाई पे लेट करना है अपन को अल्फा स्क्वायर, तो पॉइंट आ गया टू अल्फा कोमा अल्फा स्क्वायर और बाद में इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन किया, तो इसका मिड पॉइंट है लेट एच कोमा के, जिसका आपको क्या करना है लोकस फाइंड आउट करना है और ये रेशियो के बने आपको वन रेशियो टू, तो देखो जब आप इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज करोगे तो इससे क्या आ गया एच इक्वल टू टू इंटू जीरो जीरो और वन इंटू टू अल्फा टू अल्फा, तो इससे बेटा एच इक्वल टू तो आ गया टू अल्फा अपॉन थ्री, सिमिलरली के इक्वल टू हाँ वन को करोगे तो अल्फा स्क्वायर और टू को करोगे माइनस वन से तो माइनस टू, दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस टू अपॉन थ्री। अब आपको एच और के में लोकस फाइंड आउट करना है, तो क्या करना है आप अल्फा की वैल्यू को फर्स्ट से सेकेंड में पुट करो, तो देखो इससे लिख सकते हैं थ्री को मल्टीप्लाई कर दो, तो थ्री के इक्वल टू अल्फा की वैल्यू क्या पुट करोगे थ्री एच अपॉन टू, तो थ्री एच अपॉन टू का होल स्क्वायर माइनस टू, तो फाइनली इसको सोल्व करो तो टू का स्क्वायर फोर, तो ये आ गया ट्वेल्व के इक्वल टू
नाइन एच स्क्वायर माइनस एट, एच को एक्स से रिप्लेस करना है, के को वाई से, देन लोकस इज नाइन एक्स स्क्वायर, इसको जस्ट माइनस ट्वेल्व वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो। तो देन हाँ तो देखो ना, नाइन एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व वाई इक्वल टू एट, तो देन करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक फंक्शन गिवन है आपको एफ एक्स मोड एक्स कर देना वन, और डी ओ वाई डी एक्स वन बाई टू डी ओ वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स, तो आपको वाई माइनस रूट थ्री की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो देखो उसको कैसे ट्राई करते हैं, सबसे पहले आप फाइंड आउट करो साइन इनवर्स एफ एक्स, उसके बाद उसका डिफ्रेंशिएशन करना है, आफ्टर दैट डी ओ वाई डी एक्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन को सोल्व करते हैं अपन, तो देखो क्या करना है इसमें, एफ एक्स इक्वल टू, हाँ भाई ये टेन इनवर्स है, तो कोट इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो जब आप इसको पुट करोगे पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स, तो साइन पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एक्स क्या होगा, कोस टेन इनवर्स एक्स। तो फाइनली दिस पार्ट आ गया साइन टेन इनवर्स एक्स प्लस कोस टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करना है, आप टेन इनवर्स एक्स को लेट करो थीटा, लेट टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो दिस पार्ट इज साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो उसको फर्दर सोल्व करने पे आ गया एफ एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन, तो देन टू साइन थीटा कोस थीटा, दिस इज साइन ऑफ टू थीटा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, साइन इनवर्स एफ एक्स, तो आप क्या करो उसको साइन इनवर्स से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लो साइन इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स साइन ऑफ टू थीटा। अब इसमें थोड़ा अपन को सोचना है कि साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल कब कर सकते हो, जब टू थीटा लाइज बिटवीन माइनस फाइव बाई टू से फाइव बाई टू। तो देखो क्या करना है, क्वेश्चन में आपको गिवन है मोड एक्स ग्रेटर देन वन, तो एक्स आपका वन से ग्रेटर है, तो टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई टू से, सॉरी पाई बाई फोर से पाई बाई टू, और जब एक्स लेस देन माइनस वन है तो अगेन टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर। तो इसके केस में आप लिख सकते हो थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से माइनस पाई बाई फोर, आप ओपन ब्रैकेट यूज करोगे, यूनियन पाई बाई फोर से अगेन पाई बाई टू। आपको टू थीटा लाना तो उसको टू से भी मल्टीप्लाई करो, तो इससे आ गया टू थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू यूनियन पाई बाई टू से पाई। अब देखो इसके बाद क्या करना है इसको, जब टू थीटा माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू, तो देखो क्या करो, मैं इसको थोड़ा रिमूव कर देता हूँ इधर से, साइन इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू, इसको लिखोगे आप साइन पाई प्लस टू थीटा, क्या लिखना है इसको, साइन पाई प्लस टू थीटा, क्यों, और साइन पाई प्लस टू थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो आगे क्या लेना पड़ेगा अपन को, माइनस लेना पड़ेगा इसमें, आगे क्या लगाओगे इसमें, माइनस। तो देखो जब इसको पाई प्लस टू थीटा लिखोगे आप, तो इससे क्या होगा कि टू थीटा की वैल्यू जब माइनस पाई बाई टू, सॉरी माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू है, तो दिस पार्ट इज ऑल्सो पॉजिटिव, तो साइन को साइन इनवर्स से क्या कर सकते हैं, कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये आ गया माइनस पाई प्लस टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू दिस पार्ट माइनस पाई से माइनस पाई बाई टू। सिमिलरली जब थीटा आपका क्या होगा पाई बाई टू से पाई, तो इसको क्या लिखना पड़ेगा आपको, साइन ऑफ पाई माइनस टू थीटा, क्योंकि पाई लोगे टू थीटा को तो जीरो, और पाई बाई टू पे अगेन पाई बाई टू, तो दिस पार्ट आ गया पाई माइनस टू थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई टू से, सॉरी व्हेन टू थीटा बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई। अब इसके बाद देखो क्या करना है क्वेश्चन में अपन को,
ये आ गया साइन इनवर्स एफ एक्स, थीटा को क्या पुट करना है टेन इनवर्स एक्स, तो फाइनली आ गया साइन इनवर्स एफ एक्स इक्वल टू माइनस पाई माइनस टू टेन इनवर्स एक्स, ये पार्ट सेम लिखना अपन को, सिमिलरली दिस इज पाई माइनस अगेन टू टेन इनवर्स एक्स, ये पार्ट इसके इक्वलेंट लिखना अपन को। अब देखो इसका क्या करना है आपको, डी ओ वाई डी एक्स, तो बेटा जब आप इसका डी ओ वाई डी एक्स करोगे, डी ओ वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, तो देखो इसका डी ओ वाई डी एक्स क्या होगा माइनस टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका भी क्या होगा माइनस के टू अपॉन वन प्लस स्क्वायर, तो आप दोनों को एक ही बार लिख सकते हो, तो माइनस टू अपॉन वन प्लस, तो ये इसका आ गया डी ओ वाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एफ एक्स। अब आप इसकी वैल्यू को इधर पुट करोगे तो इससे क्या आ गया, देखो डी ओ वाई डी एक्स इक्वल टू, ये टू को शिफ्ट कर दो, माइनस टू अपॉन वन प्लस, टू से टू कैंसिल कर देना बाद में, और बहुत साइड क्या करना है इसका इंटीग्रेशन, तो ये आ गया वाई इक्वल टू सी माइनस टेन इनवर्स एक्स। यस, अब देखो एक्स को रूट थ्री लोगे तो वाई गिवन है पाई बाय सिक्स, तो देखो एक्स को रूट थ्री लोगे तो क्या आ गया 60 डिग्री, और ये 30, और 60 को इधर लाओगे तो ये आ गया सी इक्वल टू 90 डिग्री, क्या आ गया सी इक्वल टू 90 डिग्री, देन वाई इक्वल टू क्या आ गया 90 डिग्री माइनस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स को माइनस रूट थ्री लेने पे, तो जब आप एक्स को माइनस रूट थ्री लोगे तो ये क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, तो 10 रूट थ्री 60, तो 90 प्लस 60 इज 150, तो इससे क्या मिलेगा वाई इक्वल टू 150 डिग्री, तो दिस पार्ट इज 5π/6, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा फर्स्ट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन अर्न कंटेन 5 रेड मार्बल्स 4 ब्लैक मार्बल्स एंड 3 वाइट मार्बल्स, देन द नंबर ऑफ वे इन विच 4 मार्बल्स कैन बी ड्रॉन शो दैट एट मोस्ट 3 ऑफ देम आर रेड। इसका मीनिंग क्या है कि आपको एक अर्न में कुछ मार्बल्स का मतलब पत्थर गिवन है, 5 रेड है 4 ब्लैक हैं और 3 वाइट है, अब आपको क्या करना है इसमें से 4 मार्बल्स का ड्रॉन करना है, मतलब 4 मार्बल्स को निकालना है, तो कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम आप कितने 3 रेड मार्बल्स ड्रॉन कर सकते हो, तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी इसके अंदर, 3 रेड ले सकते हैं और रिमेनिंग 1 इन दोनों में से ले सकते हैं, 2 रेड ले सकते हैं रिमेनिंग 2 इसमें से सेलेक्ट कर सकते हो, मतलब 3 रेड मार्बल एंड 1 अदर मार्बल्स प्लस 2 रेड 1 अदर मार्बल्स प्लस 1 रेड 3 अदर मार्बल्स प्लस 4 अदर मार्बल्स, सिंपल क्वेश्चन है वैसे, तो देखो 5 में से जब आप 3 रेड का सिलेक्शन करोगे तो क्या आ गए 5C3 इंटू 7 में से 1 लेना है अदर, तो 7C1 प्लस अगला क्या होगा 5C2 इंटू सिंपल 5C2 इंटू 7C2 प्लस ऑफ 5C1 इंटू 7C3 और प्लस ऑफ 7C4। अब आप इसको फर्दर सोल्व करो तो फाइनली क्या आ गया 5C3 की वैल्यू क्या होती है 10 और 10 इंटू 7 इज 30 सॉरी 10 इंटू 7 इंटू 70 प्लस 5C2 अगेन 10 और 7C2 क्या होगा 7 6 अपॉन 2 21 देन इज 10 210 आ गया, क्या आ गया 210 प्लस ऑफ ये 5 और 7C3 7C4 की वैल्यू सेम होगी, तो 7C4 की वैल्यू क्या होगी फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4, तो उसको सॉल्व करोगे तो आ गया बेटा 7 6 5 अपॉन 6 6 6 35, तो ये तो 35 होगा, ये 35 इंटू 5 इज 175, तो दिस पार्ट इज 175 प्लस, तो अब आप इसको ऐड करोगे तो क्या आ गया देखो 270 और 80 280
प्लस ऑफ ये क्या आ गया 210 और 210 और दिस पार्ट इज 490। तो एक इंटीजर पार्ट का क्वेश्चन है तो इसका आंसर क्या होगा 490। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22। हाँ ये भी सिंपल इजी क्वेश्चन था, क्या करना है सिग्मा के इक्वल टू 1 से 20 दिस पार्ट की वैल्यू बतानी है। तो देखो कैसे ट्राई करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करो आप इस अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करोगे तो 1 से k का सम क्या होगा, फर्स्ट k नेचुरल नंबर का सम, k ऑफ k प्लस 1/2। तो बेटा ये क्या आ गया, दिस पार्ट इक्वल टू सिग्मा k इक्वल टू 1 से 20 k ऑफ k प्लस 1/2। तो देखो 1/2 को तो आप कॉमन ले सकते हो और सिग्मा k स्क्वायर का मीनिंग क्या होगा k ऑफ k प्लस 1 2k प्लस 1/6 और प्लस ऑफ सिग्मा k को k ऑफ k प्लस 1/2। तो क्या आ गया k ऑफ k प्लस 1/2 और आफ्टर दैट इसमें क्या करना है k को पुट करना है आपको 20। तो k को 20 पुट करके सॉल्व करते हैं इसको, देखो बेटा तो देखो क्या करना है 1/2 ऑफ k को 20 लोगे तो क्या आ गया 21 इंटू ऑफ 41 अपॉन 6 प्लस ऑफ 20 इंटू 21 अपॉन 2। तो फाइनली देखो क्या आ गया आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो 3 और दिस पार्ट इज 10 और 3 से करोगे तो दिस पार्ट इज 7। तो ये आ गया 1/2 70 इंटू 41। तो आप 7 को 41 से भी साथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आ गया 1/2 ऑफ 7 और 7 इंटू 4 28 और 0 प्लस ऑफ ये 10 तो 210 आ गया। और इसको फर्दर सॉल्व करने पे क्या आएगा देखो 0 प्लस 0 0 7 इंटू 1 इज 8 और दिस इज 30 तो और 2 से डिवाइड करने पे आ गया 1540। तो इसका करेक्ट आंसर ये न्यूमेरिकल घड़ी में फिल करना है आपको 1540। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23। हाँ 23 में क्या बोला गया है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस पार्ट हैज नो रियल रूट्स। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तो उसकी कंडीशन क्या लगोगे, डी लेस देन सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स तो देन डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। डी का मीनिंग क्या लिखना है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो इसका बी क्या है ए माइनस टेन। तो आ गया ए माइनस टेन का ऑल स्क्वायर माइनस फोर ए इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है इसमें देखो 32 अपॉन 2 माइनस ऑफ 2a इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं अपन, तो ए स्क्वायर माइनस 20a प्लस ऑफ 100 और इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल और 33 को जब 4 से करोगे तो क्या आ गया 132 आएगा शायद माइनस के 132 और 8 तो माइनस माइनस प्लस 16 ऑफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है बस आपको। तो दिस पार्ट इज ए स्क्वायर माइनस माइनस 20a प्लस 16a इज माइनस 4a और माइनस के सॉरी 32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अब आप इसके क्या करोगे फर्दर फैक्टर करना है आप, तो ये 32 है तो 8 और 4 तो इसके फैक्टर क्या लिखोगे, a माइनस 8 इंटू ए प्लस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इस इनइक्वलिटी को देखो सॉल्व करते हैं अपन, ये आपका 8 पे 0 है और सेकंड माइनस 4 पे 0 है तो प्लस माइनस प्लस, तो ग्रेटर देन जीरो का मीनिंग क्या होगा पॉजिटिव पार्ट। तो इसका फाइनल आंसर आ गया a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 4 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए,
तो a की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी इसमें 8, तो उसका करेक्ट आंसर इज 8, इसमें आ गया आंसर a इक्वल टू 8। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लेट द नॉर्मल एट पॉइंट p ऑन दी कर्व वाई स्क्वायर माइनस 3x² प्लस वाई प्लस 10 इक्वल टू 0 इंटरसेक्ट दी वाई एक्सिस एट 0,3/2 इफ m इज दी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p टू दी कर्व देन फाइंड दी मॉड m। मतलब आपको इस पॉइंट p पे टेंजेंट का क्या फाइंड आउट करना है, स्लोप। तो सबसे पहले क्या बोला गया है कि पॉइंट p पे जो नॉर्मल है वो किस पॉइंट से पास होती है, सॉरी वो y एक्सिस को कट करती है 0,3/2 पे। तो आप क्या करो, इसमें पॉइंट लेट करो p x1, y1। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पॉइंट p पे इसका dy/dx फाइंड आउट करना है। तो इस कर्व का जब dy/dx करोगे तो देखो क्या आएगा बेटा, 2y y1 माइनस 6x प्लस y1 इक्वल टू 0। इसमें y1 कॉमन लोगे तो आ गया y1 इक्वल टू 6x अपॉन 2y प्लस ऑफ 1। तो y1 मतलब dy/dx एट पॉइंट p क्या होगा, इसमें x को x1 पुट करना, y को y1, देन दिस इज 6x1 अपॉन 2y1 प्लस 1। तो ये तो पॉइंट पी पे क्या है, टेंजेंट का स्लोप। तो अब क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगी, इक्वेशन नॉर्मल एट पॉइंट पी इज y-y1 = ये टेंजेंट का स्लोप है, तो नॉर्मल का स्लोप क्या होगा इसका, उल्टा और नेगेटिव। तो माइनस ऑफ 2y1 + 1 अपॉन 6x1 इंटू x-x1। उसके बाद क्या करना है आपको, दिस नॉर्मल इज पासिंग थ्रू दी पॉइंट 0,3/2, x को 0 पुट करना, y को 3/2। तो देखो क्या आएगा इससे, y को 3/2 लोगे तो 3/2 - y1 = जब आप x को 0 पुट करोगे तो ये तो 0 हो गया, x1 से x1 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस, तो दिस पार्ट इज 2y1 + 1/6। तो आप इसको सोल्व करने के लिए क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 9 - 6y1 = 2y1 + 1। तो क्या गया, 8y1 = 8, देन y1 = 1। तो y1 की वैल्यू क्या होगी इससे, 1, और y1 x1, y1 लाइज ऑन दी कर्व। तो जब y1 को आप कर्व में पुट करोगे तो इससे क्या गया, 1 and 1 = 12, तो 3x² = -12, सॉरी माइनस से माइनस कैंसिल, तो इससे आ गया x² = 4, देन x = आ गया बेटा +-4। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, x1। अब आपसे क्या पूछा गया है, m इज दी स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p। तो y1 को तो पुट करना आपको क्या, 1, और x1 को पुट करना है +-4। तो देखो इसमें क्या आ गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट p इज m इक्वल टू, तो देखो y को 1 लोगे तो क्या आ गया, 3, और ये क्या आ गया +-24। सॉरी इसमें जब आप x² को 4 लोगे तो x क्या आ गया, 2, तो ये आ गया +-12/3। तो इसका जब मॉड लोगे आप तो फाइनल आंसर क्या आ गया, 4। तो इसमें मॉड m की वैल्यू क्या होगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 25 देखो, दी नंबर ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिक्स इज ए विद एलिमेंट फ्रॉम दी सेट ऑफ -1, 0 and 1 सच दैट दी सम ऑफ दी डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू 3। इसका मीनिंग क्या है कि ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट का सम क्या गिवन है, 3। तो आपको मैट्रिक्स इज फाइंड आउट करनी है कि टोटल कितनी मैट्रिक्स हो सकती हैं जिसमें ए ट्रांसपोज के डायगोनल का सम क्या हो, 3। तो इसमें क्या करोगे आप, लेट मैट्रिक्स ए इक्वल टू ABC PQR and LMN, उसके बाद इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड आउट करो। तो रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है, ABC PQR and L
एम एंड एन। आफ्टर दैट जब ए को ए ट्रांसपोज के साथ क्या करोगे बेटा, मल्टीप्लाई, तो उसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ए वन वन, ए टू टू एंड ए थ्री थ्री, तो उन क्या क्या करना है अपन को, सम फाइंड आउट करना है। तो देखो डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और इन सबका सम गिवन है आपको बेटा थ्री। तो और इसमें आपको क्या बोला गया है कि ए ऑफ आई जे बिलोंग्स टू माइनस वन जीरो एंड वन, तो इसमें क्या लिखोगे, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इक्वल टू, तो देखो क्या करना है, टोटल नाइन एलिमेंट्स हैं, तो इसमें से एनी थ्री एलिमेंट को अपन वन लेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट इज नाइन सी थ्री प्लस ऑल थ्री एलिमेंट को आप माइनस वन लेट कर सकते हो, तो अगेन नाइन सी थ्री प्लस एनी टू एलिमेंट को वन और रिमेनिंग को माइनस वन, तो दिस इज नाइन सी टू इन टू और सेवन सी वन, और सिमिलरली एनी टू एलिमेंट को माइनस वन और एनी वन एलिमेंट को वन, तो उसको अगेन टू से क्या करना, मल्टीप्लाई। आफ्टर दैट इसको सिंप्लीफाई करोगे आप, तो नाइन सी थ्री की वैल्यू इसको अपन रफली सोल्व कर लेते हैं, फैक्टोरियल नाइन अपॉन फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल सिक्स, देन नाइन एट सेवन अपॉन फैक्टोरियल थ्री, तो इसको सोल्व करोगे तो दिस इज सिक्स, ये फोर हो गया ये थ्री, तो दिस इज एट्टी फोर, तो एट्टी फोर प्लस एट्टी फोर इज प्लस, इसको भी सोल्व करना है आपको, तो फैक्टोरियल नाइन अपॉन फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल सेवन इंटू सेवन इंटू टू, टू से टू कैंसिल आउट, और ये होगा नाइन इंटू एट इंटू सेवन, तो दिस इज 56 इंटू नाइन, तो दिस इज 504। और फाइनली इसको जब आप ऐड करोगे बेटा, तो एट, तो दिस पार्ट इज 672। थैंक यू।